प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश को एक बार फिर से संबोधित करेंगे। कल सुबह देश के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश होगा। आपको बता दें कि पिछला संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ था जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ था। आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री की तरफ से एक मैसेज कन्वे किया गया कि कम से कम धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए इस चीज को, और सभी धर्मगुरुओं से उन्होंने अपील की कि इस मामले में वो लोगों को जागरूक करें, जानकारी दें। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट किया है कि कल सुबह 9 बजे देशवासियों के साथ मैं एक वीडियो संदेश साझा करूंगा। आपको बता दें कि ये लाइव टेलीकास्ट, ये लाइव इंटरेक्शन, ये लाइव प्रधानमंत्री का संदेश नहीं होगा। पिछली बार की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वीडियो संदेश जारी करेंगे कल सुबह 9 बजे। प्रधानमंत्री ये वीडियो संदेश जारी करेंगे। इसके पहले आज भी पीएम नरेंद्र मोदी ने, आज जो परिस्थितियां हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, तबलीगी जमात का मामला, उसके बाद उसका धार्मिक रंग लेना, फिर इंदौर में डॉक्टर्स के ऊपर पथराव किया जाना, इस सब को देखते हुए प्रधानमंत्री ने आज भी एक छोटा संदेश वीडियो के जरिए दिया है। पहले आपको वो संदेश सुनवाते हैं, फिर शोएब जमाई अपनी बात पूरी करेंगे। सुनिए पीएम ने आज क्या कहा। मेरा आग्रह है कि राज्य स्तर पर आप समाज के गणमान्य व्यक्तियों, सभी संप्रदायों के धर्मगुरुओं, उनकी मीटिंग बुलाकर उनसे आग्रह करें कि वो अपने अपने अनुयायियों को, अपने मतपथ के लोगों को, अपनी विचारधारा के लोगों को इस लड़ाई में भागीदार बनने के लिए, सहयोग करने के लिए समझाएं, उसका नेतृत्व करें। और इस काम के लिए राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, शहर स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, इतना ही नहीं थाने स्तर पर ऐसे समाज के धर्मगुरुओं की मीटिंगें तत्काल कर लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्मगुरुओं से ये कहा, राज्य सरकारों से ये कहा, जब मुख्यमंत्रियों से आज पीएम ने बात की उस दौरान ये चर्चा हुई और ये संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से जारी किया गया कि राज्य सरकारों को स्थानीय स्तरों पर धर्मगुरुओं से बात करके इन चीजों को टैकल करना चाहिए।